शहजाद सोत्रा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का एन ए 62 रावलपिंडी सूबाई सदर मसीही तहरीक बिदारी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अकलियतों के हकूक के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत मजहबी अमूर के सेमिनार में मसीहियों के साथ साथ नारवा सलूक और मजहबी अकलियतों के जज्बात को मजरू करने के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर फौरी इस्तीफा दें और मसीही बरादरी वफाकी वजीर मजहबी अमूर की तब्दीली का मुतालबा करती है। गुज़श्ता दिनों वज़ारत मज़हबी अमूर ने बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर एक सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक़द कराया। इस सेमिनार में मज़ाहब को जोड़ने की बात ना हुई, लेकिन मसीहियत और बाइबल मुक़दस पर तनकीद की गई और किसी भी मसीही मजहबी या सियासी रहनुमा को मदऊ नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में हमारे मसीही भाई जो अपने आप इस सेमिनार में गए थे, उन्होंने ना सिर्फ इस सेमिनार में मुंतजमीन को सख्त पैगाम दिया बल्कि इस प्रोग्राम का बायकॉट भी किया। हम इनकी जुरत को सलाम पेश करते हैं। जज्बात को मजरू किया। हम वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर को फिलफोर से इस्तीफा लिया जाए, मुस्ताफी किया जाए और इस्तीफा लिया जाए। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करना जानते हैं और कभी वक्त आया तो करके भी दिखाएंगे। हमारे जो ये हमारे साथ जो ये मुतसबाना रवैये रवा रखे जा रहे हैं, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो सानिया पेशावर है, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे जो पुलिस के लोगों को शहीद किया, उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए और उनको भी कैफरे करतार तक पहुंचाएं जो इसके पीछे लोग मुलव्वस थे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस दो बातें और करूंगा कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर साहब, आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसमें हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों रवा रखा गया? किसी मसीह को उधर बैठने की भी इजाजत नहीं दी गई, बुलाया जाता और बिठाया जाता। आप बैनर को कम और नफरतों को ज्यादा प्रमोट किया गया उस प्रोग्राम में। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।